नहीं, इतना गर्मा गर्मी क्या चल रही थी? कुछ तो नहीं, क्या बोलेंगे? झूठ बोल रही तू, कुछ तो जरूर हुआ है यहाँ। रनवे से तुमने साथ कुछ किया? बोल का ही नहीं रही हो? कुछ नहीं हुआ छोटे ठाकुर, वो क्या करेंगे हमारे साथ? आप परेशान मत होइए, कोनो बात नहीं है। हम बेवकूफ नहीं है लाली, हमको दिखाई पड़ता है या कुछ तो हो रहा था। सब मिलके कोनो बात छुपाना चाहते हैं, और ये पता है तुम्हारे हमरे बारे में ही बात है। तुम बताओ हमको क्या बात है, हमको जानना है बस। अरे कौनो बात नहीं है बबुआ, हम तो यूं ही रणविजय पर गुस्सा रहे थे, कह रहे थे सामान ठिकाने पे लगाना, बाकी नहीं माना। सही बात है, अरे कोई काहे तुमसे कुछ छुपाएगा? देखिए हमको बहलाइए फुसलाइए मत, बार बार बबुआ बोल लेने से हम बबुआ नहीं हो जाएंगे। तुम बोलो लाली क्या बात है? कोई कुछ बात नहीं है, बात होगा तब ना बताएंगे। ठाकुर साहब ठीक है तो कह रहे हैं, हमरे आपके बारे में कोनो बात नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम, बाकी ऐसा काहे कह रही हो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। झूठ नहीं बोल रहे छोटे ठाकुर। तो ठीक है, नहीं बताना चाहती हो ना तुम, मत बताओ। हम भी तुमसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक तुम सही सही नहीं बता देती कि यहाँ क्या हो रहा था। खोल के सुन लो सब लोग, शेखर को इस बात के बारे में भन्नक भी नहीं पड़नी चाहिए। और नौकी दुल्हन, आप शेखरवा को इस बात के बारे में कुछ नहीं बताएंगी। ये तो बहुत ही अच्छा किया मुकुल बेटा तुमने, जो रत्ना को ब्याह के बाद भी पढ़ाई के लिए हाँ बोल दिए। का है कि ये ब्याह होना बहुत ही जरूरी है, ब्याह के बाद नहीं पढ़ाएंगे तो का कर लेगा? ये सही बात है माँ, वो का है कि हमारे पास कुर्सी है और लोहा सिंह जी के पास जमीन, और ऐसा संजोग बड़ी मुश्किल से मिलता है कि ब्याह तो एक बहाना है, असल माँ ये एक सौदा है, सौदा। बस बिटवा ये बात का ध्यान रखो, लोहा सिंह का जो लालच है ना वो उसको पूरा होता दिखाई दे, बस वही कॉन्ट्रैक्ट फंट्रैक्ट का जो प्लान है उसका। और हाँ, लोहा सिंह, शेखर और रत्ना तीनों को गिलास में उतारना है, समझ गए? वो हम देख लेंगे पापा जी, बस एक बार हमारा ब्याह हो जाए फिर हम लोगों को इस क्षेत्र में कोनो टक्कर नहीं दे पाएगा। एक बात बताओ, ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? अरे
और आ सुनो, मंदिर फंदिर का कहानी मत सुनाना हमको, समझे? पर हमारी बात याद रखना, गाड़ बांध लो, इज्जत बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। असल में कहा हो ऐसे ज्यादा जरूरी है कि तुम दिखते कहा हो। समाज में छवि एक बार खराब हो गई ना, फिर कहीं के नहीं रहोगे, ध्यान रखना। काहे कि ये छवि राजनीति की खेती बाड़ी है और उसी की कमाई खाते हैं हम। एली कहते बिटवा लोग, तुम्हें कोनो काम से इज्जतिया पर आँच नहीं आनी चाहिए। अरे पापा जी, हम आप ही के बिटवा हैं, कबो ऐसा नहीं होगा, अब बेफिक्र रहिए। बस ध्यान इस बात का रखना होगा कि रत्ना, शेखर और लोहा सिंह को ही क्लास में नहीं उतारना है, बल्कि उस चौथे इंसान का भी तो कुछ करना है जिसकी नजर हम पर पड़ चुकी है। इतना गर्मा गर्मी क्या चल रही थी? इरनवेजे तुम्हारे साथ कुछ किया? कुछ नहीं हुआ छोटे ठाकुर, वो क्या करेंगे हमारे साथ? शेखर, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, ये बसुरिया बजानी जरूरी है का? अरे हम तो भूल ही गए, हम बाहर जाके बजाते हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे हम पूछ रहे हैं, इतना रात में कहाँ जाने की सोच रहे हो? ए छुटकी दुल्हन, जरा बबुआ जी को अंदर लेके जाओ। अरे बुआ, लेकिन अब बुआ सही है तो कह रही है, अब इतनी रात को बसुरिया बजाने कहाँ जाओगे? हम कहीं भी सो जाएंगे, लेकिन ये कमरा में नहीं सो सकते। देखो शेखर बबुआ, 2 दिन में सारे नाते रिश्तेदार यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं, अरे पूरी हवेली भर जाएगी, तब क्या करोगे? कौन कमरा में जाकर सोओगे? और सब लोग पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? इसीलिए ये सब छोड़ो और चलो अंदर, चलो चलो अंदर। किसी को बुरा लगेगा ये सब सोच के, हम वो सब नहीं कर सकते जो हमें पसंद है। अरे बबुआ, दिन ही कितना बचे हैं, 2 हफ्ता बाद बुचिया विदा हो जाएगी, ओकरे बाद तुम्हारे जो मन में आए वो करना, बाकी तब तक तो हमारा कहना मान लो।
देखे थे तुमको हवेली में घुसते हुए और समझ गए थे कि तुमको चुप कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये हवेली के लोगों के सामने तुम्हारा मुंह तो बिल्कुल भी खुलना नहीं चाहिए। नहीं तो कहा है कि हम असल में का चीज हैं, ये हवेली में बात अगर पता चल गई तो हमका बहुत ही नुकसान हो जाएगा, जो कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये हवेली से तुमरा का मतलब? अरे अरे, हम तो अपना परिचय ही नहीं करवाए तुमसे। हम ये हवेली के होने वाले दामाद हैं। सोचो, बढ़िया है ना जुगाड़? वैसे तुम्हारा जुगाड़ भी बहुत बढ़िया है। ये हवेली की रखेल जो बनी हुई हो, हाँ? बाकी बहुत खराब बात है कि हम दोनों एक साथ ये हवेली में नहीं रह सकते। तुम यहां रहोगी तो हमारी इज्जतियां ले डूबोगी। और ये हम होने नहीं देंगे। रत्ती भर चूक गया, नहीं तो होली का दहन हो गया होता तुम्हारा। बाकी चिंता मत करो,
अगली बार नहीं चुकेगा। दिया सलाई का एक और तीरी जलाएंगे और तोहरी जिंदगी भग भगा के चलेगी। और फिर बुझ जाएगी। बैठ के देखेंगे कहाँ जलता है और कहाँ बुझता है। क्या हुआ, नहीं हो पा रहा है? अरे क्या कर रही हो, पगला गई होगा? हाँ, पागल हो गए हम। तुम्हारे भीतर वो लक्षण हमको तन को दिखाई नहीं दे रहा है, एक को रखती नहीं। हमको अगर जीने मरने का डर होता ना तो जो जिंदगी हम जी रहे हैं जिंदगी जी नहीं पाते। बहुत बोली निकल रही है ना, बाकी हमारा वक्त आने दो, फिर दिखाएंगे तुमको। एकदम एक गलत लड़का खोज नहीं देगी अजय के लिए, इससे तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। कौन तरीका से हमको बिहार रोकना पड़ेगा। एक रास्ता है इसका, छोटे ठाकुर को हमको सब सच बताना पड़ेगा। यही वक्त छोटे ठाकुर और छोटके दुल्हन तो सो रहे होंगे शायद, कैसे जगाएं अभी उनको? शेखर तनियो पानी देना ना उनको। अरे कौन है? हम है छोटके दुल्हन लाली। यहाँ का आई हो तनी, आपसे बात करनी थी छोटे ठाकुर।
बाहर आइए।